अरे आप महिमा देखिए हम लोग ये जब बोले ना हम लोग जान है ये हम जाते मेरे भाई को बचाए मतलब मेरा मेरी जान बचाए देखिए ऐसा सब जिंदगी में नहीं बोलते इनका जो है हम देखे रात में बहुत परेशान थे और मैं यहाँ तुरंत अपना कार भेज दिया और कार में हमारा डॉक्टर बाबा जी जैसे इंसान पूरा दुनिया में नहीं है नहीं, और नहीं हो सकता नहीं हम ये आप लोग हम आपको जानते थे कि अगर हम लोग नहीं लेके आते इतना हेल्प तो मुश्किल इतना हेल्प जो पता होगा दोनों चार हाथ पर बांध के रखना पड़ा था हाँ तो अभी तुम ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है चलो ठीक दोस्तों आप देख रहे हैं जमशेदपुर से एक लड़का लगभग 15-16 साल का इसका नाम है कार्तिक भारत के सबसे खतरनाक इंडियन कॉमन किलर साइलेंट किलर जिसको बोलता है ये सांप काटने के बाद इसका दांत का निशान अक्सर हम वीडियो में बताते दांत का निशान पता नहीं चलता क्योंकि इसका दांत जो है लगभग सुई से 10 गुना पतली होती है और दूसरी बात है कि थोड़ा सा जहर छोड़ता है सिर्फ 2 मिलीग्राम उतना जहर में ही असर होना शुरू हो जाता है और बाइट करने के बाद सबसे बड़ी है इसमें कुछ होता ही नहीं गोहूमन ये दूसरे सांप की तरह ना सूजन होता है ना वह दर्द होता है दूसरे सांप की तरह इसका सूजन नहीं होता फूलता भी नहीं है ना दर्द होता है ना गैंग्रीन होता कुछ भी नहीं होता और सिम्टम भी तुरंत पता नहीं चलता जैसे कि गोहूमन में या दूसरे सांप में होता क्या है बाइट करने के बाद तुरंत वहाँ सूजन होता है उल्टी होना शुरू हो जाता है लेकिन इसमें कुछ नहीं होता इसमें अचानक जो आपको सीने में जलन होगा सीने में दर्द होगा और थूक निकलने में पानी निकलने में दिक्कत होगा और धीरे धीरे पेशेंट का जो मरीज है उसका आँख दोनों बंद होने लगा ऐसा लगेगा कि वो नशा क्या हुआ जिसको शिव नेत्र बोलते हैं मतलब आधा आँख खुला आधा बंद ये इसका सिम्टम है और ज़्यादातर जिसके कारण इसको साइलेंट किलर कहता है आदमी पता लगने से पहले ही मरीज डेथ हो जाता है तब तक आदमी सोच भी नहीं पाता किसने बाइट हुआ है तब तक कोमा में चला आता है कोमा जाने के बाद पेशेंट लगातार जो है पागल हो जाता है और दिमाग संतुलन खो देता है उस समय में पुरानी बात करता है गाली गलौज करता है बांध के रखना पड़ता है देखते हैं अक्सर वीडियो में कितना सारा करेज साहब का चारों हाथ में बांधना पड़ता है तो इसलिए जो है ये लोग कहाँ पहले आपका इलाज चला था सर हम लोग सबसे पहले तो हम मेडिकल कॉलेज में जी तो थोड़ा बहुत एंटीपिनम दिया था पर पूरा हम लोग को इस बारे में जानकारी नहीं था सर जी और हम लोग बिना टाइम गवाए सबसे पहले जमशेदपुर ले गए थे फिर वहाँ से जो बोला कि इसका ये दिमागी मतलब कि कुमा में जा सकता है तो हम लोग इमरजेंसी झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वहाँ पे ले गए थे तो फिर वहाँ पे जब ले गए थे वहाँ पे कुछ आशा से ले गए थे कि मेरा भाई अच्छा से इलाज होगा यहाँ पे लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पे ना हम लोग कोई सुन रहा था ना कोई कुछ दवा दे रहा था और कुछ बोलने से भी धमका रहा था तो स्थिति में हम बापीदा को कॉल किए बापीदा हमको बोला कि आप यहाँ से लेके आइए आपका भाई ठीक हो जाएगा तो दोस्तों हम जब वहाँ से लेके आ रहे थे तो कोई हमको छुट्टी भी तक नहीं दे रहा था हम बोले कि जो आप लोग दवा दी है वो दवा हमको दिखाना है तो दवा रिपोर्ट भी नहीं दे रहा रिपोर्ट भी नहीं दिया गया दवाई क्या क्या दिया गया ये सबसे बड़ा गलत है आप हम सभी को कहना चाहते हैं अगर कहीं पर भी आपका मरीज इलाज चल रहा तो कम से कम अगला कोई हॉस्पिटल जाएगा वो तो समझेगा अगर ये होता कन्फ्यूज हो जाएगा अगला हॉस्पिटल एंटीवेनम दिया नहीं और हम कैसे समझेंगे इनको कितना इंजेक्शन चला तो उसमें भी बहुत समय दिक्कत हो जाता है तो कहीं पर भी इलाज हो प्लीज सभी हॉस्पिटल से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम पेपर में कागज में लिख दीजिए कि इतना इंजेक्शन हम दिए हैं और आप कहीं भी लेके जाइए तो वहाँ उनको डॉक्टर को सुविधा होगा कि क्या दवाई दिया क्या नहीं दिया हो सकता है वहाँ कोई इंजेक्शन दिया होगा वो इंजेक्शन 4 घंटे का बाद पड़ता है और हमको मेरे पास आया हम भी तुरंत डाल दिए और पेशेंट उसी में डेथ कर जाएगा तो फिर तो भी ऐसा खिलवाड़ ना करें और अभी आपका पेशेंट कैसा है मेरा बहुत धन्यवाद अरे आप महिमा देखिए हम लोग ये जब बोले ना मेरा हम लोग मेरा जान है जी जी ये हम जानते हैं मेरे भाई को बचाए मतलब मेरा मेरी जान बचाए देखिए ऐसा सब जिंदगी में नहीं बोल सकते
इनका जो है हम देखे रात में बहुत परेशान थे और मैं यहाँ तुरंत अपना कार भेज दिया और कार में हमारा डॉक्टर आधा रास्ता में ये रिसीव किया और दवाई लगा सलाइन लगा के लेके आए। और हम तो वीडियो के माध्यम से बापी दा के बारे में जाने थे और सचमुच हम जान गए कि बापी दा जैसे इंसान पूरा दुनिया में नहीं है और नहीं हो सकता। नहीं आप लोग हम जानते थे कि अगर हम लोग नहीं लेके आते हेल्प तो मुश्किल होता। इतना हेल्प जो किया ये मेरे लिए आज बहुत बड़ी बात है। आज मेरे लिए भगवान के सम्मान के रूप में खड़ा हुआ तो मेरा भाई आज ठीक। तो दोस्तों अब लोग सभी को अनुरोध करता हूँ बच्चे अभी स्वास्थ्य करते और ये स्वास्थ्य के यहाँ के जाएंगे और अपना जिंदगी उठाएंगे। उनके परिवार बहुत अच्छे हैं, सब माँ है साथ में भाई है। लोग को लगता है कि अपना भाई के लिए कोई इतना नहीं करता, ये दिन रात परेशान है और अक्सर जो है पूरे ख्याल रख रहे हैं। तो इनको जाएंगे और बीच में फिर एक बार आएंगे, इनको बच्चे को टेस्ट कराने के लिए ब्लड टेस्ट होगा और हम लोग इनको जैसे कि पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद इनको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, अपने घर जमशेदपुर चले जाएंगे। दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ कभी भी किसी को सरदर्द हो रहा पूरे इंडिया में, अगर उसको सुधार नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा और वहाँ पर कोई आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। 18 साल में मेरा आज तक कोई मरीज न मरा है ना कोई खराब हुआ, तो पता नहीं ये महामनसा भगवान का देन है, दुआ है और आप लोग का प्यार है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।